चीन की टेराकोटा आर्मी 1974 में एक कुएं की खुदाई के दौरान मिली थी। माना जाता है कि ये चीन के पहले सम्राट चीन शी हुआंग के मकबरे की रक्षा करते रहते हैं। यहाँ पर 8000 मूर्तियों के दफन होने का दावा किया जाता है, लेकिन आज तक सिर्फ 2000 ही मिली है। आखिर इसके पीछे का राज क्या है, तो आइए जानते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, जमीन के नीचे हजारों रहस्य दफन है। ऐसे ही रहस्यों को खोजने का मुकाम पुरातत्वविद करते रहते हैं। इंसानों को हमेशा जमीन के नीचे दफन इतिहास मिलता रहता है। उन्हीं में से एक के बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। ये चीन की टेराकोटा की सेना है जो जमीन के नीचे लगभग 2000 वर्षों तक दफन रही है। मार्च 1974 में उत्तर पश्चिम चीन शानस के प्रांत में कुएं की खुदाई के दौरान कुछ किसानों को मिट्टी के कुछ टुकड़े मिले। इसी दौरान उन्हें टेराकोटा से बना एक सिर मिला, जिसके बाद पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई करनी शुरू कर दी और एक बड़ा रहस्य दुनिया के सामने आ गया। इसे देखने दुनिया भर से लोग जाते हैं। 2015 में चीन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे देखा था। टेराकोटा की सेना चीन के पहले सम्राट चीन शी हुआंग की गुप्त कब्र के पास है। 221 ईसा पूर्व चीन शी हुआंग ने चीन पर शासन किया था और एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। टेराकोटा की इस सेना में पैदल सैनिक, घोड़े और रथ की मूर्तियां भी स्थापित है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सैनिक कौन है। दरअसल आज से हजारों साल पहले दुनिया के अलग अलग इलाकों में मौत के बाद का जीवन यानी आफ्टर लाइफ में लोग विश्वास करते थे। तब राजा या किसी रईस व्यक्ति की मौत पर नौकरों को बलि देकर उनके साथ दफन किया जाता था, क्योंकि वह मानते थे कि ये दूसरी दुनिया में सेवा करेंगे। आखिर ये मूर्तियां क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे का रहस्य ऐसा है कि चीन शी हुआंग भी अपनी आफ्टर लाइफ के लिए एक बड़ी सेना चाहते थे, लेकिन तब तक ऐसा समय आ चुका था जब इंसानों की बलि की आलोचना होने लगी। ऐसे में सम्राट की कब्र की रखवाली के लिए टेराकोटा से बनी मूर्तियों को बनाया गया। सम्राट ने जमीन के नीचे लगभग अपना एक और साम्राज्य बना रखा था। इसका सबूत आज भी मिलता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही मिट्टी में दफन संगीतकारों की मूर्ति खोजी गई है जो मनोरंजन के लिए थी। टेराकोटा आर्मी माना जाता है कि सम्राट के मकबरे की रखवाली करती है। इसका खोजा जाना सभी के लिए हैरान करने वाली खबर थी, क्योंकि इसका कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी नहीं है। अभी तक लगभग 2000 सैनिकों की मूर्तियां और घोड़े मिले हैं, लेकिन माना जाता है कि करीब 6000 सैनिक अभी भी जमीन में दफन है और उन्हें खोजा जाना बाकी है। आखिर इन मूर्तियों की क्या खासियत हो सकती है, उसका रहस्य इस प्रकार है कि जमीन के नीचे दफन मूर्तियों की बनावट हर किसी को हैरान कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बेहद डिटेल से बनाया गया है। इनके बाल और कपड़े और हाव भाव एकदम बारीक और अलग अलग है। हजारों की संख्या में बनी इन मूर्तियों में किसी का भी चेहरा एक दूसरे से ठीक से मिलता नहीं है। इसके साथ ही इन्हें दफनाने के दौरान पूरी तरह से रंगा गया था, जो ज्यादातर प्राकृतिक रंग जैसे पेड़ों से आए थे। सभी सैनिक अपने रैंक के हिसाब से खड़े हैं। इसमें पैदल सैनिक, धनुर्धारी, सेनापति, घुड़सवार और रथ है, जो एक असली सेना की तरह दिखते हैं। आखिर इन सैनिकों के हाथों में हथियार असली थे या पत्थर के थे, का रहस्य इस प्रकार है कि जब सभी सैनिकों की मूर्ति बन गई तो उन्हें असली हथियार दिए गए थे। सैनिकों के हाथों में तांबे की तलवार दी गई थी। खुदाई में 40,000 से ज्यादा हथियार मिल चुके हैं, जिनमें तलवारें और तीर है। जांच में ये भी पता चला है कि ये सभी हथियार कभी भी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए हैं, बल्कि सिर्फ सम्राट की अंडरग्राउंड सेना के लिए ये विशेष तौर पर बनाए गए थे। आखिर सम्राट की कब्र का रहस्य क्या है, वो ऐसा है कि चीन शी हुआंग की कब्र आज भी पुरातत्व विदों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मकबरे के टीले के जियोफोजिकल सर्वेक्षण हुए हैं, लेकिन उनकी खुदाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि मकबरे के बारे में हान राजवंश के एक इतिहासकार ने लिखा है कि यहाँ 100 अधिकारियों के लिए महल और सुंदर टावरों के साथ कई दुर्लभ कलाकृतियां हैं, लेकिन कुछ कारणों के कारण यह अभी ठीक से नहीं दिख पा रहा है और यहाँ पर बहुत सारे राज अभी भी दफन हुए हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये आगे कभी भी सामने आ सकते हैं।